नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह के ताज़ा समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। विद्यार्थियों को दी करियर पोर्टल की जानकारी। राज्य के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरा की ढाणी। यूपीएससी 2018 परीक्षा परिणाम। बायतू के जगदीश के 486 और उजलांग के हिम्मत की 634वीं रैंक। बाड़मेर, बिना अनुमति स्कूल में रुके संत, प्रधानाचार्य ने जताई आपत्ति, श्रद्धालुओं ने किया हंगामा। नगर, सुविधाओं वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़े बच्चों ने सरकारी स्कूल में दरी पट्टी पर दी परीक्षा। भरतपुर, खेल प्रशिक्षण शिविर के लिए आवेदन 10 तक। दौसा, 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित। दौसा, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी पर 12,000 जुर्माना। दौसा, सभी मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं का करें इंतजाम। डीएम रामगढ़, 22 स्कूल बसों की जांच, किसी में कंडक्टर के पास लाइसेंस नहीं मिला, अग्निशमन यंत्र भी खराब थे। भिवाड़ी, अध्यापिका 3 साल से अनुपस्थित, 16 सीसी नोटिस का भी कोई असर नहीं। श्रीगंगानगर, यूपीएससी का परिणाम। पदमपुर और जैसर के 2 युवाओं का चयन, दोनों ने अपने पिता के सपने को पूरा किया। प्रश्न पत्रों का वितरण 8 को। अजमेर, स्वीप प्रभारी पहुंचे न्यून मतदान वाले बूथों पर, आमजन को बताया मत का महत्व, मतदान की अपील। डूंगरपुर, लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों के लिए होगी परिवहन और व्हील चेयर की सुविधा। डूंगरपुर, निजी स्कूलों में पुस्तक वितरण का कार्य, एक ही दुकान से मनमर्जी से तय की दरी। डूंगरपुर, सीए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट 21 अप्रैल को, 10 तक करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। चित्तौड़गढ़, मिलिए रामनिवास से, 24 की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, फिर एसडीएम रहते रोज 5 घंटे पढ़ाई कर 29 की उम्र में सिविल सर्विस में पाई 159वीं रैंक। नागौर, जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश, स्कूल स्टाफ ने लगाया अभद्रता का आरोप। भीलवाड़ा, नवोदय में 6ठी कक्षा में 80 सीटों के लिए चयन के लिए परीक्षा आज। हुरडा, 60 कार्मिकों ने बीमारी का हवाला देकर चुनाव ड्यूटी हटाने की अर्जी दी थी, मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई तो 20 फीट मिले। भीलवाड़ा, 2 कॉलेज का चुनाव के लिए अधिग्रहण, एमडीएस यूनिवर्सिटी के 269 कॉलेजों में परीक्षा स्थगित होगी। गाइडेंस पोर्टल पर करियर मार्गदर्शन, 10वीं व 12वीं के बच्चों ने बनाई आईडी। सिरोही, यूपीएससी बीकानेर के सुशील बिश्नोई की 106वीं रैंक, तीसरे प्रयास में मिली सफलता। बीकानेर, प्री बी एड 12 मई को, आज आवेदन की अंतिम तिथि। बीकानेर, 90 में से 30 सवाल सही करने पर हो सकते हैं एडवांस के लिए क्वालिफाई। कल से होगी जेडब्ल्यू मेन की शुरुआत, पहले बीआर का पेपर होगा। कोटा, 5वीं बोर्ड, दरी पट्टी पर बैठकर परीक्षा दे रहे बच्चे, पेयजल की भी सुविधा नहीं। कोटा, जेडब्ल्यू मेन परीक्षा 7 से 1 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी। उदयपुर, पदोन्नति पात्रता सूची में शामिल करने की मांग। सिरोही, मतदान दिवस 29 अप्रैल को रहेगा सवैतनिक अवकाश। बाड़मेर, विद्यार्थियों को कैरियर गाइडेंस पोर्टल का समझाया महत्व, सरकारी विद्यालयों में आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। भीलवाड़ा, 2 साल पहले हो चुकी पदोन्नति, नई सूची में भी उन शिक्षकों के नाम, अस्थायी वरिष्ठता सूची में त्रुटियां दुरुस्त करवाने शिक्षक काट रहे चक्कर। उदयपुर, 20 वर्दी के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। उदयपुर, कोटा में 4 केंद्रों पर आयोजित होगी जेडब्ल्यू मेन प्रवेश परीक्षा, 7 अप्रैल को आर्किटेक्चर का होगा पेपर। कोटा,
नेशनल बोर्ड की टीम ने आरटीयू का किया इंस्पेक्शन। 3 दिन तक रहेगी टीम, जांचेगी भौतिक सुविधाएं। कोटा सिविल सेवा परीक्षा 2018 जुनून होना ही सफलता का असली मंत्र। कनिष्ठ लिपिक भर्ती की प्रतीक्षा सूची अब लोकसभा चुनाव बाद घोषित होगी। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में 10,029 पदों पर जारी करनी है अब केवल प्रतीक्षा सूची। जोधपुर नेट के आवेदन विवरण में सुधार कल से। अजमेर प्रदेश के कई होनहार को मिली बेहतर रैंक। यूपीएससी सिविल सर्विस का परिणाम, जयपुर के शुभम को चौथे प्रयास में 6ठी रैंक। जिले में आरटीए के बकाया भुगतान के लिए चाहिए करीब 5 करोड़, निदेशालय को पत्र लेकर मांगा बजट, निजी स्कूल परेशान। अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर प्रेस विज्ञप्ति पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2015। यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम, 759 अभ्यर्थियों का चयन, जयपुर के कनिक्स कटारिया टॉपर। तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।